अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अजमेर शरीफ के हाकिम ने एक बार किसी शख्स को बेगुनाह सूली पर चढ़ा दिया और उसकी माँ को कहला भेजा कि अपने बेटे की लाश आकर ले जाए, मगर वहाँ जाने के बजाय उसकी माँ रोती हुई ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की, आह मेरा सहारा छिन गया, मेरा घर उजड़ गया। या गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली, मेरा एक ही बेटा था, उसे हाकिम जालिम ने बेकसूर सूली पर चढ़ा दिया है। ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली जलाल में आकर उठे और फरमाया, मुझे अपने बेटे की लाश पर ले चलो। नाजरीन, उसके साथ आप रहमतुल्लाह अली उसकी बेटे की लाश पर आए और उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए मकतूल, अगर हाकिम वक्त ने तुझे बेकसूर सूली दी है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से उठ खड़ा हो। फौरन लाश में हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते वो शख्स जिंदा होकर खड़ा हो गया। क्या बंदा किसी को जिंदा कर सकता है? नाजरीन, कहीं ये शैतान ये वसवसा ना डाले कि मारना और जिलाना तो सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही का काम है, कोई बंदा ये कैसे कर सकता है? तो अर्ज़ ये है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही फ़ाइल हकीकी है, मगर वो अपनी कुदरत कामिला से जिसको चाहता है इख्तियारात अता फरमाता है। देखिए, बेजान को जान बख्शना अल्लाह अज़्ज़ा वजल का काम है, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दिए हुए इख्तियारात से हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसा करते थे। नाजरीन, पारा 3 सूरा आले इमरान आयत नंबर 49 में है, इन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहे अति तैर फअनफुखु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। तर्जुमा यह है कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की सी मूर्त बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन परिंद हो जाती है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से।